दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपको डबल प्लेट की पैंट की एक एक छुपी हुई चीजें बताई जाएंगी, जिससे आप आसानी से किसी भी साइज की आराम से अपनी पैंट काट सकते हैं। सारे फॉर्मूले इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके एक एक कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। तो आइए चलते हैं पैंट कटिंग कर। सो आज आपको हम इसमें फॉर्मूला जो बताएंगे वो सारी पैंटों पर आप उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, जिससे आप किसी भी साइज की पैंट काट सकते हैं। एक इंची टेप को यहां निकाल देना है और पैंट की लंबाई जितनी भी हो उतनी टोटल रख लेना है। तो इस पैंट की लंबाई है 37 इंच, हम 37 इंच पर निशान लगा लेंगे और 3 इंच नीचे एक और निशान लगाएंगे, मोहरी का मार्जिन। इन निशानों को सीधा कर लेना है। ठीक है, अब बारी आती है इसकी लटक निकालने की। तो लटक जो दोस्तों निकलती है, हमने कई वीडियो में बता चुका हूँ दो तरीके से। हिप का चौथा हिस्सा रख करके 1 इंच माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये फिटिंग लटक होगी। यदि कोई ज़्यादा लूज पहनना चाह रहा है तो डायरेक्टली हिप का चौथा हिस्सा रख दीजिए। तो इस पैंट का हिप है 42 इंच, इसका चौथा हिस्सा होता है 10.5, इसमें हम 1 इंच कम कर देंगे, 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब अभी बेल्ट यहाँ लगेगी हमारी तो देखिए 10.5 बन के आ जाएगी हिप। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऊपर यहाँ पर कन्नी के बगल से एक निशान लगाना है और 3.25 इंच छोड़ देना है, 3.25 इंच छोड़ देना है। इसमें प्लेट का मार्जिन और कमर का और चैन का मार्जिन, सब मार्जिन ऐड है इसमें। अब जितनी कमर उसका चौथा हिस्सा रखना है, तो 39 कमर है उसका चौथा हिस्सा हो गया 10.25 इंच। इसको निशान यहाँ लगाएंगे और यहाँ से नाप लेंगे किनारे से, 13 इंच है, 13 को यहाँ रखेंगे, यहाँ से 1.5 इंच आगे का निशान। इस निशान को हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है और यहाँ पर हल्का सा गोलाई में शेप देना है। ये देखिए यहाँ से चैन लग जाएगी हमारी। ओके, अभी क्या करना है, हमें थाई नापनी है। ठीक है, तो थाई इसकी टोटल तैयार इंच 28 इंच। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम 28 है तो हम 1/2 इंच कम करेंगे, 13.5 निशान लगाएंगे। हमेशा थाई सामना 1/2 इंच कम ही रखें और इस तरीके से शेप पट्टी से शेप दे देंगे इस तरीके से। इस निशान का और इस निशान का 20 सेंटर लेना है, तो ये 13.5 आ रहा है, इसको पकड़ करके इस तरह इंची टेप रख लेना है, 20 सेंटर लगा लेना है। इसको नाप लेना है, 9.5 इंच आ रहा है कन्नी के बगल से, तो यहाँ पर 9.5 इंच। अब पहली प्लेट 1.5 इंच की, फिर इसमें 1.5 इंच की गैपिंग रहेगी और दूसरी प्लेट 1 इंच की, तो 3.25 इंच मैंने जो छोड़ा था यहाँ पर, जिसमें से पहली प्लेट 1.5 और दूसरी प्लेट 1, तो 2.5 इंच ये निकल गया। अब बचा हमारे पास 0.25 इंच, तो 0.25 इंच में 2 सूत इधर, 0.5 इंच इधर, हमारा टोटल मार्जिन निकल गया। ये इसका फॉर्मूला है। तो आप 3.25 इंच छोड़ेंगे तो आसानी के साथ कुछ किसी भी साइज में लगा सकते हैं निशानी है। कमर को लिख देना है। अगर इस पैंट को हम 20 सेंटर से काटेंगे तो यहाँ पर बैक हमारी फंसेगी। आपको मैं दिखा दूँ अभी, देखिए यहाँ से 8 आ रहा है, 8 मैंने ये लगा दिया। अब मोहरी इसकी है 18 इंच, तो 4.5 इस साइड, ये देखिए ये हमारा है टोटल 13.5, तो कम से कम 3 इंच आगे जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 16.5 इंच। यहाँ रख के देख लेना है, 16.5 इंच देखिए काफ़ी अंदर आ रहा है ना, ये निशान जब अगर मोहरी का यहाँ से लगेगा यूँ इस तरीके से, तो देखिए बैक हमारी इतनी छोटी पड़ेगी। अब इस पोजीशन में क्या करना है, हमें 20 सेंटर लेके नहीं चलना है। ठीक है, देखिए इस तरीके स्केल को रख लेना है और जो स्केल जहाँ तक जा रही है वहीं तक हम निशान लगा लेना है इस तरीके से। देखिए ये पार्ट सीधा हो गया एकदम। अभी जितनी मोहरी है, मोहरी 18 इंच है, तो हम यहाँ से 18 इंच रख लेंगे और इस 18 इंच से निशान को हम इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा हम बदलाव करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कपड़े में जोड़ना है बैक में और अच्छे से पैंट हमें निकल आए। अभी देखिए पैंट थोड़ा अंदर की ओर आ गई है,
तो हमें करना क्या है कि जो मोहरी निशान लगाया था इधर से इधर आधा इंच डाउन कर देना है, इस तरीके से इस साइड में आधा इंच डाउन कर लेना है इस साइड, ठीक है, और ये क्रॉस कर लेना है, बस इतना बदलाव करना है जिससे हमारा इधर जोड़ भी नहीं आएगा और पैंट भी अच्छे साफ निकल के आएगी। मैं आपको एक तरीका दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है हमें। सबसे पहले हमें ऊपर की ओर कटिंग कर लेंगे, बड़े साइज की पैंट निकालने का ये तरीका है, यहां से क्रॉस, ठीक है, मैं कुछ दिखा दूं। मैंने यहां पर क्रॉस क्यों किया है, ठीक है, इसके लिए मुझे दूसरी चाक लेनी है ताकि आपको मैं दिखा दूं सही से अच्छे से। मैं ये पीली चाक ले लेता हूं, ठीक, और देखिए जो ये निशान है इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। अब यहां पर निशान को लगा देता हूं और एक निशान यहां लगा देता हूं, ठीक। मैंने क्रॉस क्यों किया है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जब हम इसका बीच सेंटर इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस निशान पर अपने पैंट को उठा लेंगे और यहां पर हमें देख लिए चाक हमारी आधा इंच यहां नीचे आ गई, इस सेंटर से यहां आ गई, ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस किया है। यहां पर क्रॉस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी मोहरी सही नहीं बैठेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं। बस अब जिस तरीके से नॉर्मल पैंट होती है उसी तरीके से इसको कट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा सामना कट गया है, इसके पॉकेट पे निशान लगा देंगे, चाहे इसमें आप क्रॉस पॉकेट बनाएं या फिर सीधी पॉकेट, 2 इंच प्लस 6 इंच हमारी ये पॉकेट हो गई। अब बारी आती है दोस्तों बैक की, तो आप देख पा रहे होंगे जब मैंने उसको हल्का सा क्रॉस किया तो यहां पर कपड़ा कितना बढ़ गया है। सो बैक काटने के लिए हमारे पास देखिए इस तरह कपड़े हमने बिछा लिया है, फॉर्मूला वही रहेगा, यहां से 2 इंच ऊपर इस तरफ मिला लेंगे और इधर क्रॉस कर लेंगे, यहां पर आधा इंच नीचे से क्रॉस, डेढ़ इंच में एक सूत यहां कम छोड़ना है, यहां तक 1.5 इंच में एक सूत कम आना है, यहां पर 3 इंच थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ेगा, जोड़ लगेगा यहां से, ठीक है, ये सब क्रॉस है तो ये सब सीधा रखना है, देखिए स्केल को अंदर रख लेना है और इस तरीके से सीधे निशान लगा लेना है, दोनों हिस्से हमें जो है क्रॉस नहीं रखने हैं। इस निशान से कमर जो निशान आ रहा है यहां से कमर का चौथा हिस्सा 10 प्लस 1.5 इंच इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे, ये निशान शेपट्टी लेना है, ये हमारा आधा इंच यहां से बाहर निकल रहा है, इसको हम क्रॉस कर लेंगे, ये देखिए नीचे देख हमें यहां से सीधा लगा लेना है, देखिए हमारा जोड़ भी बहुत कम आया और पैंट में अच्छे से निकल आई, ठीक है, तो इसकी फटाफट से कटिंग करके दिखा देते हैं आपको हम। इस निशान से 2 से 2.5 इंच आगे निशान तक कटिंग कर लेना है और ये मार्जिन हमें छोड़ देना है, प्लेट वाली पैंट में इस साइड कोई मार्जिन नहीं रहता है तो हम सीधा निशान पर ही कटिंग करेंगे, देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग होगी और ये पैंट देखिए आपके सामने कट के रेडी हो चुकी है, आप भी अपनी पैंट इसी तरीके से काट सकते हैं। पैंट की कटिंग से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।